भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसमें एक बात देखने को बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि जो हमारे सिख भाई हैं और हमारे जो जाट भाई हैं वो ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और उनमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो उनके बड़े लोग हैं, अहदेदार लोग हैं, NRI हैं, जो बाहर से हैं, वो उनको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक एक करोड़ की गाड़ी लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है उनके जो भी बड़े लोगों की। तो इसीलिए उनका इतना बड़ा जो किसान आंदोलन है वो खड़ा हुआ है और 6 दिन से ज़्यादा हो गए और अभी भी आंदोलन चल रहा है। पिछली बार भी चला था, जो 1 साल से भी ज़्यादा चला था, क्योंकि उनके जो बड़े लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात देखने की ये है कि हम क्षत्रिय समाज को भी इससे सीख लेनी चाहिए। क्षत्रिय समाज कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सका, और पहले गोगा मेडी के टाइम करना भी था, लेकिन एक दिन में ही झुक गया, क्योंकि क्षत्रिय समाज अंधभक्त है और क्षत्रिय समाज के जो बड़े अहदेकार बंदे हैं वो क्षत्रिय समाज को सपोर्ट नहीं करते, एक रुपया देकर राजी नहीं। अभी भी बहुत सारे NRI वगैरह देख रहे होंगे, वो बाकी जगह अंधभक्ति में पैसे खर्च देंगे, लेकिन अपने समाज को 1 रुपया देकर राजी नहीं है, ताकि इस आंदोलन को ज़्यादा खींचा जाए। एक आंदोलन तभी बड़ा खींचा जा सकता है जब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, उसको बाहर से पैसे आए, लेकिन क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्षत्रिय समाज के लोगों को 1 रुपया देकर भी राजी नहीं है, ये बात सच है। इसलिए क्षत्रिय समाज के आंदोलन हमेशा फेल होते हैं और लास्ट तक नहीं पहुँच पाते। वो उनसे सीख लेनी चाहिए कि इतने दिन तक कैसे आंदोलन को खड़ा किया जाता है। हम एक दिन में ही थक जाते हैं, और हम बात करते हैं युद्ध लड़ने की, बात करते हैं उसकी, कि क्षत्रिय समाज जो है वो सबसे बड़ा किसान कृषक समाज है इस देश का। इस देश का जो क्षत्रिय समाज है, सबसे बड़ा किसानी वाला समाज वो क्षत्रिय समाज है, क्योंकि चाहे आप देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, सबसे ज़्यादा लैंडलॉर्ड क्षत्रिय हैं। जो जाट भाई हैं वो 3-4 जिलों से बाहर है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड राजपूत हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश में क्षत्रिय हैं, गुजरात में क्षत्रिय हैं, राजस्थान में क्षत्रिय हैं, उत्तराखंड में क्षत्रिय हैं, हिमाचल में क्षत्रिय हैं, जम्मू में क्षत्रिय हैं, पंजाब के दुआबा रीजन में क्षत्रिय हैं, नॉर्थ हरियाणा में भी क्षत्रिय ज़्यादा लैंडलॉर्ड हैं। लेकिन इतने बड़े लैंडलॉर्ड और इतने बड़ा वजूद रखने वाले पूरे देश में लगभग 70% जो क्षत्रिय हैं लैंडलॉर्ड हैं, फिर भी वो इतनी बड़ी ताकत को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो NRI लोग हैं, क्षत्रिय समाज के जो NRI लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आज सबसे बड़ा किसान समाज है जो क्षत्रिय, वो इस आंदोलन से दूर है, क्योंकि क्षत्रिय समाज एक अंधभक्त भी है और दूसरा क्षत्रिय समाज के जो बड़े लोग हैं, उद्यकार लोग हैं, वो हमें सपोर्ट करने के लिए 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।